Good morning, everyone. Within 2 minutes, I'm going to start. Please join fast. Okay, so we will start now. Some of the people were having doubt in aldol condensation, that was cross wala. Jiske third or fourth nahi aaya shayad sabko na. So I'll just show you that reaction. I have written it in my book. You can copy down from here. Ek minute. See, this is the reaction. Aldol condensation. First cross aldol condensation is with ethanol and propanol. Okay, so this is your ethanol. Okay, and this is your propanol. See what is happening now. CH3 C double bond O H. CH3 CH2 C double bond O H. This is the functional group. The next carbon to the functional group is alpha carbon. मतलब मुझे इस carbon को इस alpha से join करना है, ठीक है? So what I will do now? I will transfer this. यहाँ पे एक H है कि नहीं? There is one H, है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? CH2H. तो ये जो H है, it will go with this O. चला गया? ये CH को ऐसे लिखा. Now I will join this carbon to this CH2. ठीक है? तो इसको यहाँ पे लिख दिया, ओके? एक मिनट, सॉरी, इधर से नहीं निकालेंगे H, इधर से निकालेंगे, I'm so sorry, CHH, तो ये H इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, and then I'm going to join this carbon to this carbon, join कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा अभी मेरे पास सिर्फ CH और ये CH3 को नीचे की तरफ लिखा,
then see double bond OH. बोलो इतना समझा? Again I'm repeating. What we are doing? We are doing over here carbon to carbon linkage. नए पेज पे लिखूं? ठीक है, रुक जाओ. See what I said, we have over here ethanol. ठीक है, ethanol is CH3C double bond OH. Then we have over here propanol, that is CH3CH2C double bond OH. Now I will write down this as CH3C double bond OH plus CH3 को ऐसे ही रखा बिकॉज दिस इज माई अल्फा कार्बन. सो आई विल राइट डाउन योर सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. ठीक है, मीन्स दिस इज माई अल्फा कार्बन एटम. आई विल ट्रांसफर दिस एच टू दिस ऑक्सीजन. ठीक है, और ये कार्बन डायरेक्टली इसको अटैक करेगा. तो यू विल गेट ओवर योर सी एच थ्री. ये क्या हो गया? सी एच ओ एच. इतना क्लियर? सी एच और ये OH इधर से आ गया. देन आई एम गोइंग टू जॉइन दिस टू डायरेक्टली दिस. तो ये हो गया सी एच. अब ये सी एच थ्री बच गया ना, तो इसको नीचे लिखेंगे सी एच थ्री फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच. अभी समझा कैसे आया? और द नेक्स्ट स्टेप नाउ, ये दिस इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, दिस इज बीटा. तो यहाँ से H निकालेंगे, सॉरी यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से ओ एच निकालेंगे क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आता है ना, तो बीटा. तो क्या बन जाएगा अभी ये? सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी. करेक्ट ना? डबल बॉन्ड सी. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच. ये आ गया आपका पहला वाला प्रोडक्ट. क्लियर? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. तो अल्फा में से एच निकाला, बीटा में से ओ एच निकाला. So you will get double bond over here. Double bond आ गया. C C H 3 C double bond O. What is the name? 1, 2, 3, 4. So 2-methyl-but-2-enol. समझा? Understood now बच्चों? लिखना है तो लिख लो. Everybody understood this? Yes ma'am. हाँ ठीक है. अभी दूसरा वाला क्या था? Propanol and ethanol. उल्टा था ना अभी. So I'm writing here CH3, CH2, C double bond OH plus. अब ये देखो ethanol को कैसे लिखेंगे पता है? CH2H C double bond OH. अभी ये functional group है तो this is alpha carbon. This H will go with this oxygen. So what is my product now? CH3, CH2. ये हो गया सी एच, ऊपर चला गया ओ एच. अब ये कार्बन अल्फा को ज्वाइन करेगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी द रिमूवल ऑफ वाटर. तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एच निकाला, यहाँ से ओ एच निकाला. सो इट विल बी सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. 1, 2, 3, 4, 5. तो पेंट थ्री थ्री ने एक दो सॉरी पेंट टू एनल. नाउ क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम. एनी क्वेश्चंस? लिखना है तो लिख लो. इफ यू वांट टू कॉपी डाउन यू कैन कॉपी डाउन. ओके, लिखना है? ठीक है, लिखो फटाफट से. ये थर्ड वाला था, थर्ड वाला. समझा कैसे करते हैं? जो अल्फा कार्बन है ना, उसका ही हाइड्रोजन इधर भेजने का और ये कार्बन को अल्फा कार्बन से ज्वाइन करने का. आज शाम को आपको लोग, आप लोग का लेक्चर है क्या प्रथमेश सर का इवनिंग में? पता नहीं ना. नहीं होगा तो मैं ले लूं क्या? अगर नहीं होगा तो आई विल टेक 8 to 9:30. अगर नहीं हुआ तो चलेगा.
पूछती हूँ सर, करूँ जाए बाद में पूछती हूँ। Once you're done, please let me know. यस यस, नाउ दिस इज द फोर्थ रिएक्शन। किधर गया? दिस इज द फोर्थ वन। नहीं समझाओगे तो पूछो वापस से, बिकॉज अल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपना कल मॉर्निंग लेक्चर होगा, परसों मॉर्निंग होगा, मतलब और नेक्स्ट वीक के मुझे लगता है 2-3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो मैं थोड़ा इजी वाला ले लेती हूँ। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। प्लीज लेट मी नो इफ यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट बच्चों। डन मैम। ओके डन, चलो ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन पे, व्हिच इज कॉल्ड एज कैनिजरो रिएक्शन। नाउ एवरीबॉडी पुट योर पेंस डाउन, जस्ट पे अटेंशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑल नेम रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चंस आते हैं। एक है ना भारतीय विद्यापीठ की एग्जाम होती है पुणे की तरफ से, प्राइवेट है वो, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पेपर बनता है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पेपर टू। दे विल नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम पेपर वन, कम्प्लीट पेपर टू पूछते हैं कम्प्लीट। चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैनिजरो रिएक्शन, डबल जेड या कैनिजरो रिएक्शन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड व्हिच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। देखो इसके पहले क्या कंपलसरी था अल्डोल में, इट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, हियर it is not required alpha hydrogen atom, so it is given by aldehydes which are not having alpha hydrogen atom. Point number 2, they will undergo into the self oxidation and reduction, that I will tell you later on, self oxidation and reduction on heating with concentrated alkali. Theek hai, isko aur kya kaha jata hai, disproportionation. Pata hai ye डिसप्रोपोर्शनेशन पता है? ठीक है मैं बाद में बताऊंगी डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड
will reduce to alcohol, and another molecule of aldehyde will oxidize to carboxylic salt. ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का, तो एक क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट और कार्बोक्सिलेट आयन, व्हाटएवर. तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं चाहिए, दूसरा इट इज अंडरगोइंग इनटू द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, रिडक्शन होएगा ना एक का, और एक का ऑक्सीडेशन होएगा. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड. ठीक है, ओके. अभी यहाँ पर रिएक्शन देखो, बाद में लिखवाऊंगी मैं इसका डेफिनेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल टेक ओवर हियर, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. मुझे बताओ क्या इसमें अल्फा कार्बन एटम है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, इज इट हैविंग अल्फा कार्बन एटम? फंक्शनल ग्रुप के फौरन बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन एटम होता है, तो क्या इसमें अल्फा कार्बन एटम है? नो मैम, नहीं है. तो अब जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम आल्सो. ठीक है, तो इसको कहेंगे एल्डिहाइड विद नो अल्फा कार्बन एटम. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बेंजाल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी क्या है, विच इज कंटेनिंग नॉट अल्फा कार्बन एटम. तो रिंग हो गया ना डायरेक्टली, समझ रहे हो, दिस इज अ रिंग. सब लोगों को क्या लगता है, मिस है ना ये कार्बन, इसके साथ है ना हाइड्रोजन, नहीं, इट इज नॉट अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन होना चाहिए. तो ये कार्बन के पास अल्फा कार्बन एटम नहीं है, दैट इज व्हाट इज आल्सो नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम. तो ये दोनों एल्डिहाइड आप यूज कर सकते हो बहुत इजीली. ठीक है, व्हाट आई हैव सेड, दीस टू एल्डिहाइड्स हैज टू बी ट्रीटेड विद 50% NaOH. जस्ट अ मिनट है बच्चों, एक मिनट में आई, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट. Okay, but also we have taken over here formaldehyde. This is also formaldehyde and 50% NaOH. Okay. अब मैंने क्या बोला था? One aldehyde will get oxidized to carboxylic acid, and another one, carboxylic acid मतलब salt of carboxylic acid, and another one will get reduced to alcohol. So what I am writing? Suppose this I am oxidizing, so it will form HC double bond O O N A. Okay. H C double bond O O N A. This is called as sodium formate. ठीक है? This is called as sodium formate. So it is H C double bond O O H. So it is minus. It is plus. This is oxidation type. Plus reduction is you have to convert it to the alcohol. So ये जो second वाला molecule है, it will get reduced to alcohol. So it is C H H O H. तो एकदम आग बंद करके लिख देने का. One will give you sodium salt of this, another one will give you alcohol. This is your methanol. This is called as Cannizzaro reaction. Easy ekdam. What I said, if I'm going to do a reaction in which aldehyde is having no alpha hydrogen atom, it will undergo into the self-oxidation and reduction. The reaction is also known as disproportionation reaction. One molecule of aldehyde is getting reduced to alcohol. Another molecule of aldehyde is getting reduced to carboxylic salt.
So I have taken over your formaldehyde, treated with the 50% NaOH because we need a concentrated alkali. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, सोडियम सॉल्ट, देखो ओ एन ए लगा दिया इधर पे, ठीक है, ये हो गया. एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ट्रीट इट विद द अल्कोहल, दैट इज अनदर, इट विल गिव यू अल्कोहल, एकदम सिंपल रिएक्शन है, ठीक है. देन वी विल डू अ रिएक्शन विद अपना बेंजाल्डिहाइड ऑल्सो, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको. वी हैव ओवर हियर बेंजाल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ C double bond OH. आपके बुक में टू टाइम्स लिखा हुआ है, सो इट इज ऑल्सो फाइन. वी विल ट्रीट इट विद आइदर KOH इन मिथेनॉल, ठीक है. एंड देन हीट दिस, एक का क्या बनेगा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, अभी सोडियम नहीं है ना, तो व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, पोटेशियम सॉल्ट. तो चलो एक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, वी विल मेक दिस एज अ पोटेशियम सॉल्ट, तो C double bond O OK. This is minus, this is plus. Plus, दूसरे का क्या बन जाएगा, अल्कोहल नॉट फिनॉल. यहाँ पे बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, दे थिंक यस इट विल फॉर्म फिनॉल और डायरेक्टली OH लगाते हैं. नो, CH2OH, दिस इज नॉट योर फिनॉल, दिस इज योर अल्कोहल, बिकॉज OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन. दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम बेंजोएट एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है. इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, फिनाइल मिथेनॉल, क्योंकि ये मिथेनॉल है, एक ही कार्बन है ना, उसको फिनाइल रिंग अटैच्ड है, सो इट इज कॉल्ड एज फिनाइल मिथेनॉल. क्लियर. सो वन मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, अनदर मॉलिक्यूल विल गेट रिड्यूस टू अल्कोहल. कहने जरूर समझ आ गया सबको अच्छे से, देख लो एक बार, अल्डोल से थोड़ा इजी है ना, समझा बच्चों? यस मैम. ओके, एनी क्वेश्चंस? आई होप इट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर यू. चलो लिखो, हेडिंग लिखो एंड पॉइंट वाइज आई विल टेल यू. कैन इज अ रो रिएक्शन, कैन इज अ रो रिएक्शन, first point, point number one, this reaction is given by, this reaction is given by only aldehydes, this reaction is given by only aldehydes having no alpha hydrogen atom, this reaction is given by only aldehydes having no alpha hydrogen atom. Point number two, aldehydes undergo self oxidation and reduction. Aldehydes undergo self-oxidation and reduction on heating with concentrated alkali. Point number three, This is an example of disproportionation. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, so don't worry. Disproportionation. This is an example of disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Fourth point, in this reaction, one molecule of an aldehyde, one molecule of an aldehyde is reduced to alcohol
One molecule of an aldehyde is reduced to alcohol, and at the same time, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol, and at the same time, second molecule is oxidized to किसमें ऑक्सीडाइज होएगा सेकेंड मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक सॉल्ट चलो नाउ कॉपी डाउन दिस फॉर्मल्डिहाइड एनएओएच हीट दिस प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि यू आर हैविंग टू स्पीशीज स्पीशीज ए बी एंड सी तो जो बी वाला है ना इसका ऑक्सीडेशन इज लोअर देन ए but it is stable iska oxidation is higher than a but it is stable samjha matlab abhi jaise suppose maine bola b c ka oxidation state higher hai a ka kam hai to b ki kya quality hogi even though if it is lower than c it will be stable even though if it is higher than a it is stable so that process is generally called as disproportionation wo aapko inorganic mein ekdam detail mein hai tab bhi main ekdam acche se padhaungi ye samjha acche se Cannizzaro reaction okay copy karo fatafat se then we will do cross Cannizzaro reaction If you are done, let me know. I will keep the camera thoda sa lower side. Ekdam aaram se karo bachcho, koi ghai nahi hai, samajh ke likho. Kuch bhi nahi samjhega, even a single word, please ask. Kal tum logo ko mast pura din chutti tha na, no lecture na. मैंने भी सोचा जाने दो बच्चे लोग को एक दिन छुट्टी दे देते रोज रोज केमिस्ट्री पढ़ते सुबह शाम नेक्स्ट मंथ से ट्रेन सब चालू हो रहे हैं तो सब हो जाएगा चालू धीरे धीरे चलो डन बच्चों ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है अच्छा चलो Now next reaction, copy down this reaction also. This is your benzaldehyde. देखो exam में कैसे करेंगे? They may give you aldehyde, that is benzaldehyde. ये भी दे दिया आपको, and they will ask you to complete the reaction and name the reactions. Don't get confused. आपको क्या दिखा? Benzaldehyde दिखा, KOH दिखा या फिर NaOH दिखा 50%. And you are, they will not give you two molecules. बहुत शाने रहते हैं. They will not give you your two molecules. They will give you just formaldehyde, one molecule, NaOH 50% heat. They will ask you complete the reaction and name the reaction. So, आपको बहुत smartly इसको solve करना है कि
कि मुझे ऐसा एल्डिहाइड मिला जिसमें अल्फा कार्बन एटम नहीं है, तो ये कैनिजरो हो सकता है. ऐसे खुद से एनालिसिस करके यू हैव टू आंसर. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू टू मॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक में कभी भी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं देते. दे मे आस्क यू हाउ विल यू प्रिपेयर फिनाइल मिथेनॉल यूजिंग कैनिजरो रिएक्शन. तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल पता होना चाहिए. ये हम लोग जब भी एमटीजी सब सॉल्व करेंगे ना, तभी तुम लोग का एकदम अच्छे से हो जाएगा. पर तुम लोग पढ़ते रहो, अभी थोड़ा 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 पढ़ाई करना चालू करो. अभी सी अक्टूबर इज आल्सो कंप्लीटेड नाउ. नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 4 महीना है. कॉलेज सब स्टार्ट हो जाएगा तो तुम लोग की और वाट लग जाएगी. जर्नल वर्नल सब देंगे लिखने को. चलो डन. एनी क्वेश्चंस बच्चों सो फार? चलो ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज योर क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन. अभी कल ही हमने किया था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. पर कैनिजरो इजी है, उसमें उसके जैसा ऐसे सर फोड़ने जैसा नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. तो नेक्स्ट वी विल डू हियर इज क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन. क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन, ठीक है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड. ठीक है, ले देके हमारे पास दो ही एल्डिहाइड है जो अपने को क्या देंगे, नॉन अल्फा कार्बन एटम. सो आई विल टेक ओवर हियर फॉर्मल्डिहाइड एंड एज वेल एज बेंजाल्डिहाइड. सो आई एम टेकिंग मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड्स which are not having any alpha carbon atoms. So this is my methanol, N-A-L-L, huh? Methanol. And this is my benzaldehyde. Okay, plus. We are going to treat it with concentrated NaOH and we will apply here hydronium ion also. Okay, so what do we say? When a mixture of formaldehyde and non-inolizable aldehyde, मतलब aldehyde with no alpha carbon atom. No carbon atom को क्या बोलते हैं? Non-inolizable. Non-inolizable का मतलब क्या है? Which is not having alpha carbon atom. ये benzene ring which is not having alpha hydrogen atom and carbon atom. It's treated with a very stronger base NaOH. ठीक है? तो याद रखो ये जो formaldehyde है, छोटा है ना ये acetate वाला. तो formaldehyde will get oxidized. Formaldehyde का oxidation होगा to formic acid. ये क्या बन जाएगा? H C double bond O OH. Formaldehyde क्या बन जाएगा? Formic acid. और benzaldehyde क्या बन जाएगा? Alcohol. तो benzaldehyde का reduction हो जाएगा. It will form which alcohol now? Just now we have done. It is CH2OH. ये रूल है, इसको भूलने का नहीं कि जो छोटा वाला है वो एसिड बनेगा, जो बड़ा वाला है रिंग वाला है वो आपका अल्कोहल बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी बताया था मैंने नाम, फिनाइल मिथेनॉल. समझ गया? एकदम इजी है. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन. समझा?
So your formic acid, formaldehyde is getting converted into formic acid and benzaldehyde is getting reduced to alcohol. This is called as cross-Cannizzaro reaction. इसमें एक ही रिएक्शन है क्योंकि अपने पास दो ही एल्डिहाइड है विच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम. क्लियर बच्चों? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. प्लीज रिप्लाई सो दैट आई विल कम टू नो कि आपको समझ रहे हैं नहीं समझ रहे. ओके ओके चलो लिखो क्रॉस कैनिजर रिएक्शन. ये आपके नोट्स भी हैं बच्चों याद रखो तो ये फेंकना मत बुक. जो भी लिख रहे हो राइट इट नाइसली. क्रॉस कैनिजर रिएक्शन एक बार वापस रिपीट करूं. ओके सी साक्षी दिस इज माय एल्डिहाइड दिस इज आल्सो माय एल्डिहाइड. बोथ द एल्डिहाइड्स आर नॉट हैविंग अल्फा कार्बन एटम्स. So these are not having even alpha hydrogen atoms. Or aise do hi aldehyde hai, so I have to take these two only. We are going to treat it with a very strong alkali. Apply the hydronium ion. So what is the rule? Your aldehyde, lower aldehyde, this is lower aldehyde, na? Getting oxidized to acid. So formaldehyde ya methanol kya ban jayega? Formic acid. And your higher aldehyde, that is your benzaldehyde, is getting reduced to alcohol. So what it will do? It will give you a formation of phenyl methanol. That's it. Understood, Sakshi? Now okay, welcome. Chalo likho cross Cannizzaro reaction likha. Write down when a mixture of formaldehyde and non-enolizable, ये देखो लिखा है स्पेलिंग non-enolizable का मीनिंग क्या बताया था? With no alpha hydrogen atom. ठीक है पहले लिखो when a mixture of formaldehyde and non-enolizable aldehyde in bracket write down aldehyde with no alpha hydrogen is treated with a strong base comma formaldehyde भी लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज formaldehyde. ठीक है formaldehyde इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड. formaldehyde इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड while अदर non-enolizable aldehyde is reduced to alcohol. When a mixture of formaldehyde and non-enolizable aldehyde in bracket aldehyde with no alpha hydrogen is treated with strong base comma formaldehyde is oxidized to formic acid while other non-enolizable aldehyde is reduced to alcohol. Next line likho, ek statement likho, right likho. Formic acid forms sodium formate. Jo formic acid hai, it will form sodium formate. Matlab H ki jagah par kya jayega? Na. Formic acid forms sodium formate with NaOH. मतलब कैसा होता है रिएक्शन? वो
पहले ये जो फॉर्मिक एसिड नहीं बनता है, पहले सोडियम फॉर्मेट बनता है, और हम लोग क्या करते हैं उसमें ये डाल रहे हैं ना, एसिडिफिकेशन डाल रहे हैं, ये एसिडिक पार्ट है एच प्लस आयन, तो ये क्या करता है उसको फिर से एसिड बना देता है, समझा? फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स सोडियम फॉर्मेट विद NaOH, फुल स्टॉप। ऑन एसिडिफिकेशन सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड टू, ऑन एसिडिफिकेशन सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड टू फॉर्मिक एसिड, ऑन एसिडिफिकेशन सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड टू फॉर्मिक एसिड, मतलब ये डायरेक्ट नहीं आता, कैसे आएगा, पहले सोडियम फॉर्मेट बनेगा और इस एसिड की वजह से फिर वो फॉर्मिक एसिड बन जाता है, ठीक है? चलो ये लिख लो, कॉपी डाउन दिस रिएक्शन, और कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो। Once you're done, let me know. Okay, done everybody. Any question in Cannizzaro reaction, cross Cannizzaro reaction? Was it very easy? Okay, chalo. Abhi hum karenge next topic, which is oxidation and reduction of aldehydes and ketones. Okay, oxidation and reduction of aldehydes and ketones, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एंड कीटोन्स। फर्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी हियर इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जस्ट पे अटेंशन, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है? आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन, याद है? पढ़ा होगा आपने, इसमें 11 बोल रही हूँ, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा। एंड दोनों का भी फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, एसिड आता है, ठीक है? सो आई विल से एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड By using an oxidizing agents, कौन से oxidizing agents हम use कर सकते हैं यहाँ पे? I can use over here
diluted HNO3. I can use over here KMnO4. I can also use K2Cr2O7. These are the oxidizing agents by which I can convert my aldehyde into the carboxylic acid, and these all should be in the acidic medium. ठीक है, but अभी होता क्या है, aldehyde का तो फटाफट oxidation हो जाता है क्योंकि aldehyde is RC double bond OH. तो यहाँ पे कौन सा bond है, CH bond है. So oxidation is very easily. But in the case of ketone, C double bond OR, कौन सा bond है हमारे पास, COC bond है कि नहीं, ये CO bond हो गया, R मतलब aldehyde, C bond हो गया, correct? So its oxidation is not easy with these oxidizing agents. For the oxidation of carboxylic, for the oxidation of ketone, we require a very strong oxidizing agent called as CrO3, chromium trioxide. और आप यह क्या यूज कर सकते हो, अल्कलाइन KMnO4. यहाँ पे क्या था, एसिडिक, यू हैव टू यूज ओवर हियर अल्कलाइन KMnO4, और यू कैन यूज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे डायल्यूटेड लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे एसिडिक लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे K2Cr2O7 चलता है. बट इन द केस ऑफ कीटोन, सिंस इट इज हैविंग COC बॉन्ड, इट रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन because this bond is very very strong to break, to undergo oxidation. Okay, so we need a very stronger oxidizing agent such as chromium oxide, alkaline KMnO4 or hot concentrated sulfuric acid. So apne ko kya milta hai, hot concentrated nitric acid. We will get over here mixture of acids, kyunki apne paas do do alkyl group hai na bachcho, to iska bhi acid ban jayega, iska bhi acid ban jayega. Itna clear hua, बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया सबको अच्छे से, व्हाट आई डिड, व्हाट आई सेड, यस और नो, क्लियर व्हाट आई सेड. यू कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ टू द एसिड, बट दोनों का कैटेगरी अलग है ना. एल्डिहाइड इज हैविंग CH बॉन्ड एंड कीटोन इज हैविंग COC बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. सो इन दिस केस वी रिक्वायर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इन दिस केस वी रिक्वायर वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे विल गिव यू डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो विद कीटोन, एंड दे विल गिव यू हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो विद कीटोन. तो आपको ध्यान रखना है कि कीटोन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्गर अल्कली और इन सब की जरूरत है. तो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. इतना समझा, श्योर? हेलो हेलो, हाँ ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, एक मिनट, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है, तो मैं यहाँ पे काफी इजीली लिख सकती हूँ, आई हैव RCHO, आई एम गोइंग टू यूज एनी ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज डाइल्यूटेड HNO3 और क्या था, KMnO4 और K2Cr2O7. जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना बच्चों, दिस ग्रुप इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एसिड, CHO क्या बन जाता है, COOH. फॉर कीटोन्स, राइट, फॉर कीटोन्स क्या लिखे, हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन देन द स्टार्टिंग, हाँ चलो ठीक है, देन आई विल टेक ओवर योर कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश लिया, सपोज दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन. सो व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आई एम गोइंग टू यूज ओवर योर, आई कैन यूज CrO3 और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और KMnO4, but it should be alkaline. तो यहाँ पे लिख देती हूँ अल्कलाइन KMnO4. तो क्या हो जाएगा पता है, ये भी एसिड हो जाएगा, ये भी एसिड हो जाएगा, इट इज RCOOH प्लस R-COOH. ठीक है, तो जितना मैंने कीटोन लिया था उससे एक कार्बन एटम कम मिलता है मुझे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है,
एग्जाम्पल कह लू मैं यहाँ पे, चलो CH3 CHO, डू द ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4 एसिडिक, क्या हो जाएगा? दिस ग्रुप, दिस इज योर इथेनल और एसिटाल्डिहाइड, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड, समझा? अब मैं कीटोन लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है बच्चों? प्रोपेनोन, इट्स IUPAC कॉमन नेम इज एसिटोन, ठीक है? चलो इसको ऑक्सीडाइज कर दो, CrO3, इसका भी एसिड बन जाएगा, इसका भी एसिड बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स लिखूं, हाँ क्या अलग अलग लिखूं? टू मॉलिक्यूल्स आएगा ना, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH, दिस इज इथेनोइक और एसिटिक एसिड, दोनों सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम है। आया समझ में सबको अच्छे से बच्चों? अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन भी देती हूँ, तुम लोग सॉल्व करना। CH3 CH2 CHO, यू हैव टू डू द ऑक्सीडेशन विद K2 Cr2 O7, कंप्लीट द रिएक्शन, एंड ऑल्सो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, कंप्लीट द रिएक्शन, इसका भी IUPAC लिखना, इसका भी और रिएक्टेंट का भी। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, समझ आ गया ना अच्छे से? लिखो हेडिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसके नीचे लिखो पार्ट ए, ए पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, सॉरी मैंने क्या बोला पहले, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मेन हेडिंग ये रहेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसमें पार्ट ए इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, बोलो। हाँ मैं, हाँ देखो, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज डाइल्यूटेड HNO3, कॉमा के और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है? अब ये वाला लिखो रिएक्शन, सिर्फ ऊपर वाला लिखना, एल्डिहाइड, ये तीनों रिएजेंट्स एंड एसिड, इतना ही लिखो पहले, ओनली फर्स्ट लाइन, डन।
Now write down point number 2. Ready everyone? Yes. Write down point number 2. Ketones resist oxidation. Resist matlab oxidation nahi hone deta hai. Ketones resist oxidation due to kyun rok raha hai oxidation wo? Which bond? Due to which bond? COC bond. Very good. Ketone resist oxidation due to strong COC bond. Ketone resist oxidation due to strong COC bond, but they are oxidized strong oxidizing agents, but they are oxidized by strong oxidizing agents such as CrO3 or hot and concentrated HNO3 or alkaline KMnO4, but they are oxidized by strong oxidizing agents such as CrO3, hot and concentrated HNO3 and alkaline KMnO4 to give the mixture of carboxylic acids. To give the mixture of carboxylic acids having less number of carbon atoms. Having less number of carbon atoms than the starting ketone. Having less number of carbon atoms than the starting ketones. Ab ye likho. Ye wala ketone is getting oxidized to acid. So two acid banega. RCOH, R-COH. Ye wala statement. Ye wala likho pehle. मैम ब्लर दिख रहा है सबको ब्लर दिख रहा है क्या बच्चों हाँ ठीक yes, एक मिनट पॉज जरा एक एक मिनट अभी देखो दिख नहीं रहा मैम कुछ नहीं दिख रहे अरे अभी स्क्रीन ही नहीं दिख रहा हाँ अभी दिखा दिखा दया से हाँ हाँ वो मैंने पीछे किया इसके लिए अभी दिखा हाँ यार मैम थोड़ा देर रुकने का क्या होता है ब्लर होके फिर क्लियर होता है 2-3 सेकंड के बाद दिख रहा है ना ठीक से है मैम थोड़ा हाँ मिस अभी हो गया मिस वो हो रहा है फिर वो वापस हो रहा है हाँ वो थोड़ा शायद से हिलने कैसे हो रहा है नीचे के रिएक्शंस भी कॉपी करो और ये करो रुको मैं वाईफाई चेक करती हूँ तब तक तुम अपने रिएक्शंस कॉपी करो
कैन यू सी इट क्लियरली नाउ बच्चों? हेलो नो मैम इट इज ब्लर ओ एक मिनट मेरा वाईफाई नहीं अभी देखो हुआ क्लियर हुआ हुआ मैम ठीक है क्या आएगा ना कंप्लीट करने को रिएक्शन सी एच ओ की जगह पर क्या डालना है सी ओ एच एंड हियर एक इसका एसिड बनेगा एक इसका एसिड बनेगा सी एच थ्री सी ओ एच और ये सी टू एच फाइव सी ओ एच और सबके आईयूपीएसी नेम्स लिखो हो जाएगा तो बोलो फिर आई विल टेक क्लेमेंसन रिडक्शन देन वोल्फ किशनर रिडक्शन फिर क्या है वोल्फ किशनर रिडक्शन के बाद एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन फिर तुम लोग का रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो जाएगा I hope everybody is getting answer. मैं जानबूझ के आप लोग को ऐसे अलग अलग नेम देती हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए हाँ सी टू एच फाइव सी ओ एच आएगा करेक्ट है प्रगति वन विल गेट सी टू एच फाइव सी ओ एच और एक आएगा सी एच थ्री सी ओ एच दोनों का एसिड बन जाएगा यस वेरी गुड चलो इसका हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनल एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोइक एसिड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वन टू थ्री फोर चार कार्बन है ब्यूटेन टू ओन हाँ करेक्ट है ऋषि वेरी गुड So first we'll get CH3COH plus C2H5COH. Very good. This is your ethanoic acid. Mixture milega na ethanoic acid. And then we will get over here three carbon. So it is propanoic acid. Yes. I hope सभी को समझ में आ गया अच्छे से. कुछ डाउट है इसमें समटाइम्स दे विल गिव यू ऑल दिस एंड दे विल ऐड ऑन क्वेश्चन मार्क ओवर हियर
तो पता होना चाहिए। इसे हम लोग ने ऑक्सीडाइज किया ना इनको। यस 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 कीटोन इज आल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड इज आल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। दोनों का फाइनल प्रोडक्ट हमेशा एसिड होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का। मतलब कैसे रहता है पता है क्या सीक्वेंस? प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एल्डिहाइड, व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एसिड, और ये रिडक्शन, समझा? और सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन, व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एसिड, और ये उनका रिडक्शन। ये टेक्निक है याद। साक्षी यू आर होस्ट नाउ, कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट? बीच में ये बंद हो गया। हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चो? यस मैम ऑडिबल। स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? यस। हाँ ठीक है, ये समझ आ गया। सो सेकेंडरी अल्कोहल्स सेकेंड कीटोन्स ऑन रिडक्शन विल गेट डेफिनेटली गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल। चलो अब हम आगे बढ़े, विल गो टू द नेक्स्ट रिएक्शन, क्लेमेंस एंड रिडक्शन। एक हो जाएगा अपना, चलो फटाफट सिखा देती हूँ। और अगर सर ने शाम को नहीं लिया तो मुझे इन्फॉर्म करो, आई विल टेक 8 to 9:30। सो एटलीस्ट एल्डिहाइड के रिएक्शन खत्म कर देंगे ना सारे, बहुत रिएक्शन पड़े ना तुम लोगों ने दो दिन में। पढ़े ना, रिवाइज भी करो, मैं तो भूल जाओगे सब, पता है याद नहीं रहेगा फिर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग इज क्लेमेंस एंड रिडक्शन। और क्वेश्चन आते हैं, व्हाट क्लेमेंस एंड सेड, इफ यू आर गोइंग टू टेक कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी ले लो ठीक है, and if you are going to treat it or you are going to reduction, do the reduction in the presence of nascent hydrogen, sabse important reducing agent hai yahan pe zinc amalgam, isko kyu bola amalgam, any metal which is joined with mercury is called as amalgam, amish, and concentrated HCl and just heat this, ye Clemens and if you are going to do a reduction of your carbonyl group, it can be either aldehyde or ketone, and if you are having here 4 hydrogen, matlab kyunki reduction kar rahe hai to hydrogen lagta hai na, reduction is addition of hydrogen, zinc amalgam concentrated HCl heat, dekho yahan pe kitne hydrogen hai hamare paas, 1 2 3 4, 2 hydrogen jayega oxygen ke sath, kya ban gaya bolo, H2O water ban gaya, aur 2 hydrogen jayega carbon ke paas, so what it will form now, it will form CH2 plus H2O, do ye carbon ke paas gaya, do oxygen ke paas gaya, isko bolte hain methylene group, in short apne ko kya mila pata hai kya, hydrocarbon, batati hu kaise aaya hydrocarbon, theek hai, dekho ab main kya example leti hu, yahan CH3 CH2 C H double bond O, एल्डिहाइड हो गया 1 2 3, सो इट इज माय प्रोपेनल ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसा लिख दो नीचे, चलो जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल एंड हीट है ना, दो किसके साथ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, दो किसके साथ जाएगा कार्बन के साथ, देखो क्या बनेगा CH3
सी एच टू दो इसके साथ आया और एक ऑलरेडी है तो सी एच थ्री हो गया कि नहीं प्लस एच टू ओ समझा बच्चो yes, miss. चार था दो इसके साथ गया वॉटर बन गया दो इसके साथ गया तो ऑलरेडी एक है तो तीन हो गया ना तो क्या मिला मुझे पेन मींस आई हैव गॉट ओवर हियर हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन ठीक है दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथिलीन ग्रुप अब ऐसे ही सेम एक रिएक्शन है इसको कहा जाता है वोल्फनर रिएक्शन किशनर रिडक्शन ये भी बता देती हूँ फिर एक साथ ही लिखो इसमें भी क्या होगा पता है क्या मिथिलीन ग्रुप ही बनेगा इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप खाली रिएजेंट चेंज किया उसने इफ यू विल टेक एनी कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस टाइम इफ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने किया था ना NH2 याद आ गया NH2 किया था तो क्या हो जाएगा वाटर निकलेगा पहले स्टेप में देखो कैसे हो रहा है रिएक्शन आई विल राइट ऑन योर -H2O तो क्या बन गया मुझे अभी डबल बॉन्ड NH2 ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम लोग अभी इमाइन या जो भी है हाइड्रोजोन बन गया अभी है बराबर है दिस इज योर हाइड्रोजोन इसको व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रीट विथ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल मतलब OH CH2CH2OH और इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा ये जो N2 है ना बच्चों ये N2 ये देखो ये दिख रहा है N2 इसको उड़ा देना है N2 उड़ गया प्लस कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली H अटैच्ड हो गया तो मुझे क्या बन जाएगा CH2 मिथिलीन ग्रुप समझा इन शॉर्ट रिएक्शन तो मेरा सेम ही हो गया ना आई विल गेट ओवर हियर मिथिलीन ग्रुप देखो इसका एग्जांपल देख के समझाती हूँ मैं तुम लोगों को कौन सा एग्जांपल चलो ये लेती हूँ प्रोपेनॉन वाला ही लेती हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O ठीक है NH2 चलो कुछ तो भूल गई ना लिखना है N हाँ N भूल गई सॉरी तो ये निकल गया H2O माइनस H2O कर दिया अरे यार क्या पेजेस वेजेस सब उड़ते रहते हैं फालतू एक मिनट रुको जरा ठीक है दैट विल फॉर्म CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N NH2 हुआ इतना हाइड्रोजोन दिस इज माय हाइड्रोजोन अब जब इसको ट्रीट करोगे किसके साथ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल ये लिख दिया सपोज हाँ तो क्या हो जाएगा अभी ये N2 उड़ जाएगा ये देखो ये जो N2 था उड़ गया व्हाट वी विल गॉट N2 प्लस CH3 CH2 वापस से CH3 हो गया ना ये H था और ये दो H था तो तीन हो गया व्हाट वी गॉट CH3 CH2 CH3 आया समझ में ये कंफ्यूजन हो गया खाली रिएजेंट चेंज किया मैंने देखो पहले क्लेमेंसन देखो वो जाने दो बाद में बता दूं चाहे तो कंफ्यूज हो रहे हो तो व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन सेड इफ यू आर गोइंग टू डू अ रिडक्शन विद हाइड्रोजन जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl ठीक है यू विल गेट हियर मिथिलीन ग्रुप इन शॉर्ट यू विल गेट द हाइड्रोकार्बन इतना क्लियर ये बोलो ये क्लियर के नहीं क्लेमेंसन क्लियर हाँ अभी इसने क्या बोला वोल्फ किशनर ने कि वी आर गोइंग टू ट्रीट कार्बोनिल ग्रुप विद हाइड्रोजन पहले स्टेप में क्या करने का उसको हाइड्रोजन से ट्रीट करके हाइड्रोजोन बनाना है और दिस हाइड्रोजोन इज ट्रीटेड विद KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल IUPAC नेम क्या है इथेन 1,2 डायोल तो ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ना बच्चों N2 ये उड़ जाएगा और ये H2 डायरेक्टली इसको अटैच हो जाएगा तो मिथिलीन ही मिला ना तो मैंने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया देखो O चला गया H के साथ इट विल फॉर्म हाइड्रोजोन हाइड्रोजन के बाद ये इथिलीन ग्लाइकोल ये सब लिखने के बाद ये N2 उड़ गया तो मुझे क्या मिला CH3 CH2 C 1,2,3 H है तो यहाँ पे 3 H आ गया अभी समझा हेलो यस मैम चलो अभी हेडिंग लिखो क्लेमेंसन रिडक्शन पहले लिखो हेडिंग क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन reduction write down the carbonyl group of aldehyde and ketone
the carbonyl group of aldehyde and ketone is reduced to, reduction kar rahe hai na, is reduced to the carbonyl group of aldehyde methylene group, that is dash CH2, reduced to methylene group on treatment with, reduced to methylene group on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl. On treatment with zinc amalgam and concentrated HCl is called as, is called as Clemmensen reduction, is called as Clemmensen reduction. चलो लिखो ये पहला वाला पहले. एक मिनट में कैमरा ऊपर पकड़ दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे. मन मेरा यहाँ तक लिख लो चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वुल्फ किशनर मत लिखो अभी, बाद में लिखोगे. पहले क्लेमेंसन रिडक्शन लिखो. दोनों भी अपने को हाइड्रोकार्बन देता है. क्या हुआ शिवम, क्या नो लिखा? नहीं मैम, टाइपो. ओके ओके. Then Clemmensen, सबको समझ आ गया? Yes ma'am. Okay. Now write down the next heading. 10 मिनट है तो अपना Wolf Kishner catalyst लिख के हो जाएगा. Next heading लिखो Wolf Kishner reduction. कृष्णा मत बना देना उसको. It is Kishner, not Krishner. सब लोग K R I करके लिख देते बेचारे को. वो इंडियन नहीं है. Wolf Kishner reduction. अभी लिखो, बोलो. When the carbonyl group n of aldehyde and ketone, when the carbonyl group of aldehyde and ketone is reduced to
मिथिलीन ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू मिथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजिन on treatment with hydrazin followed by heating with sodium or potassium hydroxide followed by heating with sodium or potassium hydroxide in high boiling solvent like ethylene glycol is called as Wolff-Kishner reduction. So ये copy करो फटाक से पहला reaction, general reaction. This is your carbonyl group. This is hydrazin. Water remove kiya hydrazone. KOH. Ethylene glycol. Methylene group mila N2 ud gaya. Niche ka samjha hai na likhne ke liye ki naye page pe likhu main wapas se. Did you understand this lower example bachcho? Ha. Yahan pe likh dena zara mere ko jagah nahi hai ethylene glycol. Aur usko heat bhi karna hai. इसका नाम क्या है प्रोपेनल है ना 1 2 3 दिस इज प्रोपेनल जगह नहीं आप लोग लिख देना और ये क्या मिला हम लोग को प्रोपेन और नाइट्रोजन गैस उड़ गया ये हाइड्रोजोन है ZONE नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके तुम लोग को कुछ एग्जांपल दूंगी और तुम लोग सॉल्व करना पूरा नहीं हुआ है ये वुल्फ किशनर बाकी है थोड़ा तो जस्ट लेट मी नो किसी को कुछ पूछना है अभी अपना सिर्फ एक ही रिएक्शन बचा है फिर आपका रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो जाएगा वी विल स्टार्ट विथ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आज कॉलेज को छुट्टी रहेगा ना हाँ तो भी सिर्फ 20 लोग ही आए मोर देन 60 लोग हैं क्लास में डन चलो काफी लोग का मैसेज आ गया ओके डन नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाना इसके और एग्जांपल्स देती हूँ और देयर इज वन इम्पोर्टेंट नोट विच यू हैव टू राइट डाउन वी विल राइट डाउन दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर छुट्टी है तो सिर्फ घूमो मत पढ़ाई करो थोड़ा थोड़ा चाहिए तो नेम रिएक्शन का एक बुक बना लो एक बुक लेके आओ अल्कोहल फिनॉल्स
एल्डिहाइड कीटोन्स एचडीए जितने नेम रिएक्शन है वो एक बुक में लिख डालो सब, तुम लोग की नेम रिएक्शन की पढ़ाई भी हो जाएगी, लिखते बैठोगे पढ़ाई हो जाएगी। जैसे क्लेमेंसन हो गया, वर्ल्ड किशनर हो गया, अल्डोल तो नेम रिएक्शन नहीं है, कैनिजरो हो गया, रिडल क्राफ्ट हो गया, गैटमैन कॉश हो गया, एक बुक आता है नवनीत का 50 रुपीज का, रिएक्शंस के ऊपर है बुक, तो उसमें सारे ऐसे शॉर्टकट्स दिए हुए कौन किसमें कन्वर्ट होता है, मिलेगा तो खरीद लो, 50 रुपीज का आता है, एकदम पतला सा बुक है नवनीत का, केमिस्ट्री पेपर टू रिएक्शन बुक बोलना, तो 4 चैप्टर्स के जितने पॉसिबल रिएक्शंस है ना सब है उसके अंदर। डन बच्चो? हेलो, हेलो, अरे रिप्लाई तो करो कुछ तो। ओके डन, चलो ओके ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ जैसे होता है, अगर प्रथमेश सर नहीं ले रहे होंगे तो आई विल टेक, मतलब बीरेन सर को बोल ही दो कि अगर प्रथमेश सर नहीं तो शबाना मैम का लेक्चर करवा दूं। नहीं, योर पोर्शन इज न्यू बेटा, बट दिस दोज रिएक्शंस आर ओनली फॉर दोज 4 चैप्टर्स, एचडीए, एल्डिहाइड कीटोन्स और अपना क्या था, अल्कोहल फिनॉल्स एंड अमाइंस, तो वो जो है ना वो इन्हीं 4 चैप्टर्स पे है। नवनीत का खाली रिएक्शन का बुक है, ओनली बुक फॉर रिएक्शन, नॉट द होल थिंग, समझा? तो ये 4 चैप्टर्स तो ये नहीं हुए, चेंज नहीं हुए। चलो डन एवरीबॉडी, ओके। हाँ सिर्फ ऑर्गेनिक, यस यस सिर्फ ऑर्गेनिक। चलो चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय योर डे, सेम टू यू हेली, वेलकम कशिश, बाय बाय एवरीवन, एंड करती हूँ।